हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT। तो आज आप लोग वीडियो का इंट्रो और स्टार्टिंग पॉइंट देख कर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आज व्लॉग में क्या ये क्या चीज़ आ गई नई, क्या चीज़ दिखा रहा है आज मोहित यार। ये तो मतलब इसके मतलब वीडियो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कंटेंट से ही रिलेटेड है और आप आज का वीडियो देखिए। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको आज मतलब देखने में कुछ नया मिलेगा। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इलाहाबाद की कुछ पुरानी गांव की मार्केट। मतलब शहर के मार्केट्स तो आप घूमे ही होंगे, अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो आपने शहर की मार्केट घूमी होगी। जो लोग गांव की मार्केट नहीं घूमे हैं इलाहाबाद की, मैं उनको वहाँ का टूर कराने वाला हूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं फाफा मऊ की ओल्ड मार्केट, जो कि मार्केट जो है वो लगती तो डेली है, बट जो मतलब बाजार लगने का जो दिन होता है, मतलब कुछ वेंडर्स तो रोज रहते हैं, लेकिन जो जैसे गांव से जो किसान अपनी सब्जियां लेके आते हैं, कुछ मीट वाले मटन वाले अपने बकरे लेके आते हैं जो उस दिन अपने सेल करते हैं, वो दो दिन होता है। यानी हफ्ते में दो दिन, यानी थर्सडे और सैटरडे, दो दिन ये बाज़ार लगती है। इस दिन आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो मतलब एकदम जेन्युइन लोग, मतलब मेनली फार्मर्स आते हैं जो अपना प्रोड्यूस लेकर आते हैं यहाँ पर बेचने के लिए, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो मीट्स हो, चाहे वो फिश हो। तो मतलब मेनली फार्मर्स ही आते हैं यहाँ पर अपना सामान सेल करने के लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप गाँव की मार्केट से सामान लेते हैं तो आप डायरेक्ट फार्मर को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अगर आप शहर की मार्केट से सामान लेते हैं तो सामान जाता इन्हीं के पास से है, बट क्या कहते हैं, मीडिएटर के थ्रू, मतलब वो मिडिलमैन बन जाते हैं, उनसे आप सामान लेते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली इनसे सामान लेना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के गांव के मार्केट में घूमना। क्योंकि आप जब यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ के लोग भी इतने मतलब हम्बल हैं और इतने मतलब बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अगर आप बार्गेनिंग करेंगे इनसे ना, तो पहली बात तो इनके रेट इतने जेन्युइन होते हैं। आप वही चीज़ शहर में लेने जाएंगे और यहाँ लेने जाएंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे सामान जो है वो एकदम फ्रेश मिलता है। यहाँ पे वो लूटने खसोटने वाले लोग नहीं हैं, एकदम सिंपल सीधे लोग हैं। तो जब आप गाँव के मार्केट में जाएंगे तो आपको एकदम जेन्युइन चीज़ मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा सामान मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा सामान लेने के लिए मैं पर्सनली यहाँ पर आता हूँ। मैं गांव की मार्केट्स प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मुझे मीट लेना होता है या मटन लेना होता है या चिकन या फिश लेना होता है, तो मैं गांव की मार्केट में ही जाता हूँ। क्योंकि गांव की मार्केट में जो है ना, वो सब जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये फ्रेश मिलती हैं, और ये सब चीज़ें फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। इसलिए गांव की मार्केट से ये सब चीज़ें लेना अच्छी, जिनके पास जिनके नियर बाई में गांव की मार्केट है, वो इस बात को जानते होंगे और समझते होंगे कि गाँव की मार्केट में सामान कितने अच्छे मिलते हैं। क्योंकि शहर के मार्केट में भी गाँव के मार्केट से ही सामान जाते हैं, बट उसमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनका खुद का फ़ायदा भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए सामान थोड़ा महंगा हो जाता है। बट गाँव में सामान आपको जेन्युइन रेट में अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आज हम आपको ले चलने वाले हैं इलाहाबाद का जो फाफा मऊ का बाज़ार है, पुराना फाफा मऊ का बाज़ार, और मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा मीट मार्केट और गल्ला बाज़ार, वहाँ का गल्ला बाज़ार। मैं आज आपको ट्रेवल कराने वाला हूँ गंगा जी का ब्रिज, फाफा मऊ वाला, जो 3-1 के बगल में एक ब्रिज बने हुए हैं, जिस पे शायद आपने मूवी देखी होगी शादी में ज़रूर आना। उस मूवी की शूटिंग भी उसी ब्रिज पे हुई है, बहुत सारे सीन उस पे शूट हुए हैं। तो आप चाहे तो आप उसको चेक कर सकते हैं उसमें। तो चलते हैं, आज आपको ले चलते हैं फाफा मऊ के बाज़ार। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं फाफा मऊ की बाज़ार में। जैसे कि आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हम किसी गांव के बाज़ार में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे लोग ज़मीन पे सब्जियाँ रख के बैठे हुए हैं, कुछ लोग मसाले रख के बैठे हुए हैं। तो गांव की बाज़ार ऐसे ही होती है, जहाँ पे मतलब कुछ नॉर्मल लोग, गरीब किसान अपना जो नॉर्मल प्रोड्यूस है उसको ला कर यहाँ पे सेल कर देते हैं। जब बाज़ार में आते हैं वो लोग सेल करने के लिए, तो अपने सारे ताज़े सामान यहाँ पर लाते हैं। और इसको जो है, जो यहाँ पे ये लोग आते हैं ना बेचने, ये सिर्फ अपने लिए आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको इस चीज़ को बेच के और पैसे इकट्ठे करने हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बाज़ार में आना इनका मकसद सिर्फ इसलिए है कि बाज़ार में, चूँकि हमारा गांव बगल में है, इसलिए हम बाज़ार में चल के अपना सामान बेच देंगे तो हमें प्रेजेंट डे के लिए कुछ आमदनी हो जाएगी। इस मकसद से वो लोग यहाँ पर आते हैं सामान बेचने के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ये गल्ला बाज़ार है यहाँ की, जहाँ पर आपको सारे मसाले, सभी तरीके के तेल,
तेल, चावल, गेहूँ, चूँकि आज बाज़ार बहुत ठंडी है। रीज़न ये है कि आज जो है वो बुधवार है और बाज़ार यहाँ पे 2 दिन लगती है, वो है बृहस्पतिवार और शनिवार, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मतलब खड़े होने की जगह नहीं रहती है। जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, ये इतनी सकरी गली है, ये गली आपको मैं बता दूँ, फाफा मऊ जो थाना है वो जस्ट बगल से उसकी ये गली आई हुई है और ये अंदर पूरा जो है यहाँ गल्ला बाज़ार बना हुआ है। तो यहाँ और ये जो सामने ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जो सामने रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है वो गोमती नंबर 40 चौराहे से ये जाती है सोराओं की तरफ, ठीक है। और उसी से आप बाएं चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे लखनऊ रोड पर। तो ये है वहाँ की गल्ला बाज़ार। और यहाँ पे जो है वो मेनली दाल, चावल, मसाले और सब्जियाँ और ये सब मिलती है। सब्ज़ी का सेक्शन अलग है, वो आगे मिलती हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको मसाले, दाल और ये सब चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो सूखी चीज़ें हैं, जो ख़राब नहीं होती हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे, सभी मेनली गाँव के रीजन के हैं, क्योंकि यही देख के यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आपको मिलेंगे सब बहुत हम्बल। देखिए यहाँ पर एक महिला जो है वो दाम के लिए बहस कर रही है एक दूसरे से, मतलब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नोकझोंक नॉर्मली देखने को मिल जाएगी और बड़ा प्रेम से सभी जो विक्रेता हैं वो बात करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपको 2 रुपये कम नहीं है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं भैया मैं आपको सामान नहीं दूंगा, कहते हैं लहजा होएगा, मतलब यहाँ की जैसे जो भाषा है गाँव की, मतलब बड़े प्रेम से बात करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ज़मीन पर लगा के बैठे हैं, भले इनके पास दुकान नहीं है लेकिन इनके पास दिल बहुत बड़े बड़े हैं ना। रियली आपको मैं बताऊँ, आप गाँव की दुकान में कभी, गाँव के बाज़ार में कभी आप सामान लेने जाइए, आपको वहाँ का मतलब अनुभव ही अलग मिलेगा। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और मैं मेनली इसीलिए आता हूँ यहाँ पे सामान लेने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी किसान आपको दिख रहे होंगे, सब बोरी बिछा के अपनी सब्जियाँ रख के और फिर उन सामान को सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे लेने भी ज़्यादातर शहर के लोग नहीं आते हैं, यहाँ पे लेने भी गांव के लोग ही आते हैं, लेकिन जो कुछ पुराने लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ बाज़ार लगती है और सामान अच्छा मिलता है, वो बहुत दूर दूर से, मैं खुद 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया हूँ सामान लेने के लिए, और मैं हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आता ही हूँ। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये भी ये पुराने सामान का सेक्शन है, मतलब ऐसा है कि मतलब यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं आपको दिखेंगी वो सभी आपको हार्डवेयर की मिलेंगी और आपको मिलेंगी क्या कहते हैं घर के सामान की, मतलब गांव की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे गाय के लिए रस्सी हो गई, चैन हो गई, तंगाड़ी, फरुहा और कुदाल, मतलब जितनी भी गांव के डेली की ज़रूरतें हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी दुकानें बंद है क्योंकि COVID-19 चल रहा है, इस कारण से सभी दुकानें ज़्यादातर बंद हैं और टाइमली खुलती हैं और टाइमली बंद हो जाती हैं। कुछ लोग तो खोल भी नहीं रहे हैं क्योंकि सामान जो है जितनी ज़रूरत के हैं वो उपलब्ध नहीं है, सब मिल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको तो बता दूँ मैं, यहाँ पर एक आध दो दुकान जो है वो बहुत पुरानी, जैसे एक समोसे की दुकान हो गई, अभी एक पीछे जो चाट की दुकान गई, वो सभी दुकानें बहुत पुरानी है, मतलब वो लोग आज के सही उनके दादा भी यहाँ पर लगाते थे, भले किसी और चीज़ के लिए लगाते थे लेकिन वो चीज़ आज भी मिलती है। मैं यहाँ का बता दूँ कि इस जगह पे जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले से यहाँ पे अनरसा बनना शुरू हो जाता है। अनरसा की गोली आप जानते होंगे जो चावल के आटे की बनती है चीनी डाल के, वो आपको यहाँ मिलेगी और मतलब पूरे इलाहाबाद में यहीं से सप्लाई होती है, मतलब यहाँ पे थोक विक्रेता है अनरसा के। जब जन्माष्टमी आती है उससे पहले अनरसा मिलता है ना, वो अनरसा आपको यहाँ पे इतना टेस्टी, मतलब फ्रेश फ्राई तुरंत आपको सामने दिखेगा फ्राई होते हुए, और आप यहाँ पे लेके खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा, ये जो सामने रोड आपको दिख रही है ये लखनऊ इलाहाबाद एक्सप्रेसवे है, तो इस एक्सप्रेसवे से आप जो है वो लखनऊ जाते हैं इलाहाबाद से बाय रूट। तो अब चलते हैं हम लोग फाफा मऊ के मीट मार्केट की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि मतलब मीट वो लोग कैसे देते हैं और किस तरीके का मीट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोग अपने घर से बकरे लेके आते हैं, मतलब मीट जो है उनके घर का होता है, तो इसलिए वो मीट जो है वो फ्रेश होता है।
मीट ले लिया है और अब हम लोग चल रहे हैं सब्ज़ी लेने की तरफ। तो ये है वहाँ की सब्ज़ियों की मार्केट जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये मीट मार्केट के जस्ट बगल से जो सब्ज़ी की मार्केट जाती है, यही रोड जो है वो आगे जाके इस चौराहे से जब आप आगे जो सामने चौराहा आने वाला है, इस चौराहे से जब आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यही रोड आगे जो है वो फाफामऊ थाने की तरफ जाती है और इसी थाने से थोड़ा सा 10 कदम आगे जाएंगे तो फाफामऊ का स्टेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, जबकि आज बाज़ार नहीं है फिर भी इतना ज़्यादा रश है। कारण सिर्फ ये है कि जो गाँव के जो रीजनल लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अपना जो डेली नीड्स होती है वो यहीं से लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो परचून की दुकानें इस तरफ हैं वो जो है वो मेनली जो है वो थोक विक्रेता वालों की हैं। यहाँ पे जो छोटी छोटी बोरियों में जो मसाले रख के बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको हर तरीके के मसाले मिलेंगे इनके पास, हर तरीके के और ओरिजिनल मसाले, कोई बिना मिलावट के सारे मसाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने मार्केट देख ली है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो ये जो रोड है ये जाती है इलाहाबाद लखनऊ वाली जो रोड है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वही रोड है और ये रोड जाती है, हम जिस तरफ जा रहे हैं ये तेलियरगंज है। ठीक है, अब हम लोग तेलियरगंज की तरफ जा रहे हैं। तेलियरगंज की तरफ जाते समय ही जो बगल में आप जो मंदिर देख रहे हैं जस्ट बगल में, ये गंगा जी का मंदिर है, यहाँ पर बना हुआ है, एक आश्रम भी है यहीं पर। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं गंगा जी के ब्रिज पर जो कि फाफामऊ एरिया में है। तो ये जो है वो फाफामऊ एरिया को मेन इलाहाबाद से जोड़ता है। यहाँ पर आप दो ब्रिज देख रहे हैं सामने, एक ब्रिज उस तरफ है और एक ब्रिज ये लोहे वाला बना हुआ है। जिस ब्रिज पर मैं चल रहा हूँ ये नया वाला ब्रिज है और जो सबसे आगे की तरफ दिख रहा है वो भी ब्रिज नया वाला ही है। अच्छा, ये जो बीच में आपको ब्रिज दिख रहा है लोहे वाला, तो जो मैंने बताया था कि शादी में ज़रूर ना की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, तो ये वही वाला ब्रिज है। इसके ऊपर भी आदमी चलते हैं और नीचे वाली जो लोहे वाली ब्रिज आपको दिख रही है इसमें रेलवे लाइन थी पहले, अब नहीं चलती है क्योंकि अब ये ब्रिज जो है इसका जो टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, इसलिए इसको मतलब सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए खोला गया है। इस पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, सिर्फ आदमी टहलने वहलने के लिए जो सुबह जाते हैं वॉकिंग करने के लिए सिर्फ वही लोग इसमें जा सकते हैं। अदरवाइज़ जिनको गंगा जी घूमना है या कुछ लोग मेनली पुल घूमने भी आते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। जिस ब्रिज पर मैं चल रहा हूँ ये गाड़ियों के चलने के लिए ब्रिज बना हुआ है और ये अभी नया बना हुआ है। और जो सबसे आगे वाला ब्रिज है ये ब्रिज जो है वो भी अभी नया बना हुआ है, 5 से 6 साल हो रहे हैं इसको बने, ये रेलवे लाइन के लिए बना हुआ है। पहले रेलवे लाइन इसी लोहे वाले ब्रिज से जाती थी लेकिन गाड़ियां नहीं जाती थी, रेलवे के लिए खुला हुआ था। अब ये ब्रिज रेलवे के लिए भी बंद हो गया है, नॉर्मल लोगों के लिए भी बंद हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि गंगा जी ये सामने हैं लेकिन गंगा जी में इस समय पानी बहुत कम है, छिछला है थोड़ा सा पानी। अच्छा, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों के समय के बना हुआ ब्रिज है, ये प्योरली जो है ये गारा से बना हुआ ब्रिज है, मतलब चूना, सुरखी चूना की जो जुड़ाई होती है उस जुड़ाई से ये बना हुआ ब्रिज है और इसमें पत्थर की जो है वो जुड़ाई की गई है। और मेनली ये जो ब्रिज है इसमें जो है ये पूरा प्योर लोहे और स्टील का है, इसमें कोई रेजिस्टेंस मैपिंग वोपिंग का यूज़ नहीं हुआ है, ये सिंपल सीधा बना हुआ है लेकिन ये काफ़ी मजबूत है। क्योंकि इसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। और ये नीचे गंगा जी आप देख ही रहे हैं, ये गंगा जी की धारा है इस तरफ जाती है। ये गंगा जी जो सामने आप देख रहे हैं ये गंगा जी जाती है सीधे होते हुए संगम, और ये हमारे पीछे जो है ये गंगा जी इस तरफ से आ रही कौसाम्बी के साइड से। ठीक है, तो अब ये जो धारा सीधे आप देख रहे हैं सामने पुल के उस तरफ से जो जा रही है ये जाएगी सीधे संगम की तरफ, यमुना जी उस तरफ से आके इधर मिलती हैं जहाँ संगम होता है। ठीक है, इसी पुल के जस्ट बगल में कुछ कॉलोनीज़ बसी हुई हैं जैसे कि महावीरपुरी और नारायणी आश्रम, जिसका आप नाम बहुत सुने होंगे नारायणी आश्रम का, वो भी जस्ट इसी पुल से ही सटा हुआ। वो जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना ऊपर पुल के पास, उस सीढ़ियों से चढ़ के जो है वो ऊपर आप जब जाएंगे तो आधा किलोमीटर के लगभग दूर जो है वो नारायणी आश्रम है। ठीक है, यहाँ पे लोग बहुत लोग घूमने भी आते हैं, सिर्फ यही ब्रिज घूमने आते हैं। इसी ब्रिज में जो है वो जैसे कि मैंने बताया आपको कि शादी में ज़रूर आना की पूरी शूटिंग हुई थी, तो वो यही ब्रिज है और यहाँ पर जो है आश्रम वाश्रम भी काफ़ी। तो हम लोगों ने पुल पार कर लिया है, अब हम लोग पुल पार करके चल रहे हैं तेलियरगंज साइड। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं ये तेलियरगंज चौराहा है। ठीक है, और ये चौराहे से आप जब लेफ़्ट जाएंगे तो आप चले जाएंगे आफ्ट्रॉन चौराहे, और जब राइट जाएंगे तो आप चले जाएंगे गंगा जी के कछार साइड में। ठीक है, ये चौराहा जो है वो सीधा तेलियरगंज जाता है। ये जो हम पहुंच गए हैं ये तेलियरगंज की जो है पेट्रोल टंकी है, इसके जो राइट में है वो आलू मंडी है,
और थोड़ा सा आगे चलेंगे, जैसे इसको डाकेंगे तो यहाँ से MNNIT का वो जो है हॉस्टल, बैंक्स, ये सब शुरू हो जाते हैं यहीं से। जो MNNIT जो कि काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस कॉलेज है और इंजीनियरिंग का, वो यहीं पर है, ये जस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो उसकी बाउंड्री शुरू हो जाती है पूरी आगे तक, वो MNNIT है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। और ये भी एरिया काफ़ी घना है ये तिलरगंज वाला, और तिलरगंज में जो है वो आबादी ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स की है, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। कोचिंग की आबादी आपको जो है या तो इस तिलरगंज में मिलेगी, या छोटा बगाड़ा में मिलेगी, या यूनिवर्सिटी चौराहे पे मिलेगी। मतलब इस सब जगह पे क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब बल्क में स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इतनी जो है वो भीड़ आपको दिख रही है। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये पूरा MNNIT की दीवार है चारों तरफ। ये MNNIT का ये बैंक है, ठीक है, ये MNNIT का बैंक है, और ये पूरा उनकी ही दीवार है। और ये आगे जो है इनका गंगा द्वार, यमुना द्वार, जो MNNIT के जो गेट हैं वो है। ये MNNIT का जो है वो यमुना द्वार है, ये गेट है। MNNIT के 4-5 गेट हैं, एक गोविंदपुर साइड खुलता है, एक अफटरान चौराहे साइड खुलता है, और एक आपका ये मजार के पास खुलता है, ठीक है। अब ये हम लोग आ चुके हैं तिलरगंज से आगे, ये शिव मंदिर जो है जहाँ पे पतंजलि स्कूल है वहाँ पर आ चुके हैं। ये रोड सीधा जो है अब हमारे घर की तरफ जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।